आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, अर्थात सावन महीना में आज का दिन महिलाओं के लिए काफी खास माना जाता है। आज देश भर में हरियाली तीज या सावनी तीज मनाई जाती है। जी हाँ, इस त्यौहार में महिलाओं के लिए खास महत्व माना जाता है। वो अपने पति के लंबे उम्र की कामना करती हैं, वो समूह में एकत्र होकर गीत गाती हैं, हरे रंग के कपड़े और चूड़ियाँ पहनती हैं, साथ ही साथ वो भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वो कुंवारी लड़कियाँ अपने अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। सुहागिन स्त्री और नव युवतियों के लिए यह दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करनी होती है। वे जगह जगह मंदिर में या अपने घर में यह पूजा करती हैं। कई राज्यों में तो यह त्यौहार नव विवाहित लड़कियों अपने महके में मनाती हैं। उनके लिए ससुराल से कपड़े, गहने, श्रृंगार के सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ महिलाएँ यह त्यौहार ससुराल में ही पूजा करती हैं। इस दिन पति की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है। ये व्रत निर्जला व्रत होता है, अर्थात पूरे दिन महिलाएं पानी बिना पिए, बिना कुछ खाए भगवान शिव की तपस्या करती हैं, पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिनों हाथों में मेहंदी और पैरों में अत्स लगाए जाते हैं, अर्थात पैरों में रंग लगाए जाते हैं। महिलाएँ सुहागिन की तरह तैयार होकर ये पूजा को करती हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि पूजा करने का कौन सा समय काफ़ी शुभ माना जाएगा। जी 1:36 से समय शुरू हो जाएगा और रात में 10:06 तक ये समय शुभ रहेगा। जी हाँ, इस त्यौहार को पूजा करने की कई विधि होती है जिसको हम अपने आगे के वीडियो में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट9 भोजपुरिया में मेरे यानी अनंत मिश्रा के साथ।